वो यहाँ आ गई और तुमने उसे गेस्ट रूम में बिठा दिया किसकी इजाजत से? हम तो ताजियत करने आई है। ताजियत? जिसे हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया वो क्या ताजियत करेगी? किस रिश्ते से ताजियत करने आई है वो? मेरी बीवी की हैसियत से, मेरे बच्चे की माँ की हैसियत से। मैं इस वक्त तुम्हें कुछ भी समझाने की पोजीशन में नहीं हूँ और मैं स्ट्रेस नहीं ले सकती। सब कुछ तुम्हारे सामने है, इस घर का पॉलिटिकल फ्यूचर, तुम्हारा खानदान, बाप की ख्वाहिश, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। उसे रवाना करो यहाँ से। मॉम वो अभी तो आई है। शहरोज, उसका इस घर में रहना खतरनाक है, बल्कि इस मुल्क में रहना डेंजरस है। बेटा, दीवारों के भी कान होते हैं, अगर किसी को भिनक पड़ गई ना तो कयामत आ जाएगी। दूर मत जाओ, अगर दानिया को पता चल गया ना तो सब कुछ एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। वैसे अभी वो कहाँ है, उसे पता तो नहीं चला ना? मॉम उसको पता है क्या हो गया आपको, रिलैक्स। क्या उसे पता है कहाँ है वो अभी? मुझे तो मुमानी जान भी नजर नहीं आ रही, उसे मुमानी जान को तो नहीं बता दिया? नहीं मॉम, उसने किसी को नहीं बताया होगा, मैंने उसे काफी हद तक कन्विंस कर दिया है। जिस लड़की ने उसके अमेरिका पे होने पर कयामत मचा दी थी, यहाँ देखते वो कुछ नहीं करेगी, तमाशा मच जाएगा। तुम पता नहीं किस जहां में रहते हो, तुम्हें ना यहाँ की लड़कियों का पता नहीं है, शोहर के मामले में ना बहुत इनसिक्योर होती हैं। कोई भी लड़की अपने शोहर के मामले में इनसिक्योर होती है मॉम। ये पहले से तय था कि वहां की लड़की को तुम संभालोगी और यहाँ की लड़की को मैं संभालूंगी। अब फौरन उसे जहाज में बिठाओ और यहाँ से रवाना करो न्यूयॉर्क। पता नहीं मॉम, अजीब लग रहा है। फिर वही बात, इस वक्त ना पूरी मीडिया की नजर हमारे खानदान और घर पे है, अपोजिशन अलग से ताक पे बैठे हुए हैं। बात निकलने में एक लम्हा लगता है, अगर उस बच्चे ने ना तुम्हें डैड कह दिया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसको आप बच्चा कह रही हैं, आपका पोता है। मेरा पोता वो होगा जिसे मैं दुनिया के सामने पोता कह सकूं। जिस तरह खुद उलझ के रह गए हो ना, मुझे उलझाने की जरूरत नहीं है, अब जाओ और उसे भेजो यहाँ से। सुना नहीं तुमने शाहरोज, कभी दिल पर ना बेटा पत्थर रखना पड़ता है। आई नो दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर यू, लेकिन जिंदगी में ना रोमांस के अलावा भी बहुत कुछ होता है। प्लीज बी फॉर्म, तुम्हारी दोनों बीवियां, तुम ये खोने की पोजीशन में नहीं है। एक कामयाब सियासतदान अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करना जानता है, इसी में उसी की कामयाबी है।